सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज किरण मान। होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज मैं इंस्टीट्यूट से आई हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ। काशवी स्कूल से जस्ट अभी आई है, पौने तीन बज चुके हैं। तो वो कह रहे थे मुझे पास्ता खाना है, तो बस सिर्फ ऐसे सिंपल बॉयल करके पास्ता खाती है, तो बाकी मैं सबके लिए भी बना रही हूँ। तो एक तरफ तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया पास्ता, और एक तरफ हम बनाएंगे शलगम की सब्जी। तो जो शलगम है हमारे, वो मम्मी बॉयल करके रख गए थे, तो ये इसका हम तड़का लगाएंगे। और एक तरफ मैं कर रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट रेडी। तो इसको मैं बड़ी आसान तरीका आपको बताती हूँ, इसे हमें पील नहीं करना जैसे हलवाई करते हैं ना, एग्जैक्ट ऐसे ही हमें इसको ऐसे करके ना एक बॉयल दे देना है गर्म पानी में। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से वॉश करके ब्लेंड कर लेंगे, जो इसकी एक्स्ट्रा परतें होंगी ना वो निकल जाएंगी और बिल्कुल वाइट पे ब्लेंड होगा। मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कैसे होता है। तो फिलहाल तो ये सब चल रहा है, पास्ता हमारा बॉयल हो चुका है, इसको बस अब तड़का ही लगेगा क्योंकि ये दूसरा है ना। आप ही सोचते होंगे कि हमारे घर में सभी पास्ता कितना खाते हैं, तो सबका फेवरेट ही है वैसे तो। तो मुस्कान मेरे साथ है, अभी वो मेरी हेल्प कर रही है कैमरा पकड़ने में। बाकी मैंने ये सारा कटिंग वाला कर लिया था क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है आज। तो चलिए तब तक हम पास्ते को रेडी करते हैं। सो लो जी, पास्ता की तो प्रिपरेशन रेडी हो गई है, और मैं कैरेट्स कट कर रही हूँ। जो जो वेजिटेबल्स मेरे पास अवेलेबल थी मैं वही कट कर रही हूँ। और मेरे पास था कैरेट और अनियन, अनियन मैंने डाल दिया है तेल के अंदर, और कैरेट्स को मैं कर रही हूँ कट। कैप्सिकम हमारे पास था नहीं। और इधर देखिए, ये है तरीका, ये मैंने जो हमारा गार्लिक है उसको अच्छी तरह से वॉश करके उसको मैंने डाल दिया है गर्म पानी के अंदर, और उधर मैंने जिंजर को वॉश कर लिया है दूसरी साइड पे। ये देखिए, ये जिंजर मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रखा है, अभी इसको इसके अंदर डाल देंगे ताकि सारे एक साथ ही बॉयल हो जाएं, और फिर इसका हम पेस्ट रेडी कर देंगे। हमारे पास वैसे आई है, ये पास्ता बनाते हैं। थोड़ा सा ही हम अनियन को करेंगे, बाद में हम इसके अंदर कैरेट भी डाल देंगे, सारी की सारी कैरेट और नमक। अब मैं आपको इसको बना के इसके बाद ही मिलूंगी। सो लो जी, इधर मैंने अब इसको कर देंगे हम ब्लेंड। हमारा आपको देख रहा होगा कैसे भाप निकल रहा है, तो चलिए इसको करते हैं ब्लेंड। सुन लो जी, एकदम वाइट एंड बाजार जैसी हमारी जिंजर गार्लिक की पेस्ट रेडी हो चुकी है। और इसको स्टोर कैसे करते हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। लो जी, हमारा पेस्ट रेडी है, और इसको स्टोर कैसे करना है ख़राब ना हो, इसके अंदर हम एक बड़ी कड़छी भर के मस्टर्ड ऑयल की डाल देंगे। उससे क्या होगा कि ये जो हमारा पेस्ट है वो कभी ख़राब नहीं होगा, ये ऐसे अपने आप ही मिक्स हो जाएगा। तो चलिए अब हम शलगम रेडी करते हैं। चलो जी, अब बारी है शलगम की, और मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगी कि शलगम कैसे हम तड़का लगाते हैं। उसको हमने बॉयल कर लिया है हल्दी और नमक डाल के, और उसको मैंने अच्छे से मैश कर दिया। तो देखिए, ये है हमारे पास गार्लिक, वैसे तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डालेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं डाल रही हूँ ये गार्लिक, इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो लो जी, ये जा चुका है गार्लिक इसके अंदर, और इसके बाद थोड़ा सा ये हो जाए ना कलर आ जाए इसका, फिर इसके बाद हम जीरा डालेंगे, लेकिन इसका गैस को थोड़ा तेज कर लेंगे। तो जीरा डाल दिया मैंने, और ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी रोज, और इसके बाद वही इसके अंदर ग्रीन चिली, कड़ी पत्ता और अनियन, चार अनियन मैंने डाले हैं, और हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इन सबको हम कलर आने तक करेंगे अच्छी तरह से फ्राई, और इसी के साथ मैं इसके अंदर डाल दूंगी एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक के पेस्ट का, जो मैंने अभी अभी रेडी किया है,
जिंजर मुझे अच्छा नहीं लगता, वो आता है मेरे मुँह में, तो इसीलिए मैंने काम ही खत्म करा। इसका मैंने पेस्ट भी बना दिया, अब ये रोस्ट होते रहेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हमें इसको करना है, उसके बाद हम इसके अंदर टमाटो डालेंगे। चलो जी, अब इसके अंदर जाएगा हमारा जो टमाटर, और सॉल्ट हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि सॉल्ट का टेस्ट कितना है। सॉल्ट तो डालना पड़ेगा कम इसमें, तो सबसे पहले मैंने सॉल्ट इसके अंदर डाल दिया। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। ये मैं रॉक सॉल्ट यूज़ करी, ये थोड़ा तेज होता है, तो इस इनको हमने करना है अच्छे से भूनना है, क्योंकि जो हमारी शलगम है वो जितना भुनेंगे उतना टेस्ट आएगा। हल्दी ऑलरेडी जा चुकी है बॉयल किए हुए में, तो मैं इसके ऊपर डालूंगी देगी मिर्च और फिर मेरे फेवरेट कोरिएंडर पाउडर, तो ये मैं घर भर के 2 चम्मच डालूंगी और देगी मिर्च। देगी मिर्च से क्या होता है कि हमारी जो सब्जी है उसका कलर बहुत ही बढ़ जाता है, इसके बिना कोई सब्जी नहीं बनती हमारे यहाँ, तो बड़ी जरूर खाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मैं अभी भूनूंगी, अभी इसमें टाइम लगेगा, तो तब तक हम किचन क्लीन कर लेते हैं। तो तड़का हमारा रेडी है, इसके अंदर वो सारा के सारे शलगम हम डाल देंगे और फिर इसको हमें अच्छी तरह से पकाना है 1/2 घंटे तक खासा अच्छा खासा, तभी जो हमारे शलगम और मसाले का टेस्ट आएगा, वरना अगर हम इसको भूनेंगे नहीं ना तो इसका टेस्ट ही नहीं आ पाएगा। तो जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसका कलर और ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। तो चलिए अब इसको पकने देते हैं, और जब पकेगा इसके बाद इसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे, तब आपको